एक बार एक लड़का बहुत परेशान, बिल्कुल अनस्टेबल था अपने लाइफ में। वो एक बार अपने गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, अपने गरीबी को झेल नहीं पा रहा हूँ, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। क्योंकि वो लड़का चाहता था कि उसके भी पेरेंट्स खुश रहें, उसके भी पेरेंट्स दुनिया घूमें, लेकिन ये सब जो सोच रहा था वो पैसों के बिना पॉसिबल नहीं था, पैसों के बिना कुछ भी नहीं हो सकता था। फिर गुरुजी बोले, तुम चलो मेरे साथ। गुरुजी उस लड़के को एक ऐसी जगह पर ले गए जहाँ बहुत सारे कंकड़ पड़े थे, और गुरुजी ने उस लड़के से कहा कि इतने सारे कंकड़ में से एक कंकड़ ऐसा है जो हर मेटल को, हर धातु को सोने में बदल सकती है। वो कंकड़ जिस पर रखोगे वो सोने का हो जाएगा, और उस कंकड़ की पहचान होगी उसके तापमान से। ये सब कंकड़ छूकर महसूस करोगे तो ठंडे लगेंगे, लेकिन गोल्ड में बदल देने वाली कंकड़ गर्म महसूस होगी। फिर तुम अपनी जिंदगी में जितना चाहो उतने पैसे कमा सकते हो, अगर तुम्हें वो कंकड़ मिल गई तो। वो लड़का बहुत खुश हुआ। उसने देखा कि ये तो केवल कुछ ही महीनों की तो बात है, मुझे रोज के केवल कुछ ही घंटे इनमें देने हैं। पर वो लड़का नहीं जानता था कि वो टास्क जिस तरह भी गुरु ने दिया है वो बहुत सोच समझ कर दिया है। अगर इतना आसान होता तो बात ही क्या थी। लड़का लग गया उसमें। वो सारी कंकड़ जो एक तरफ पड़ी थी उसे हाथ में लेकर महसूस करके जो कंकड़ ठंडी महसूस होती उसे समुद्र में फेंक देता, क्योंकि अगर वो समुद्र में ना फेंके तो वही कंकड़ फिर से उसी कंकड़ में मिल जाएगी। महीनों तक उसे ये करना था तो कहीं कुछ कंकड़ उसमें ना मिल जाए, इसलिए वो कंकड़ ठंडी होती फेंकते जा रहा था। एक दिन निकला, 5-6 घंटे दिए उसने, सब कंकड़ ठंडी महसूस हो रहे थे। 2 दिन निकला, 3रा दिन निकला, 1 सप्ताह निकले, 2 सप्ताह निकल गए, 1 महीने ऐसे करते करते 2, 3 और फिर 4 महीने हो गए, लेकिन अब तक उस लड़के को वो गर्म कंकड़ नहीं मिली। उसमें से सब कंकड़ ठंडी महसूस हो रही थी। अब लड़के की स्पीड बढ़ चुकी थी, लेकिन एक चीज़ वो जो भूल रहा था, उसका विश्वास जरूर था कि वो कंकड़ मिलेगी जरूर, लेकिन धीरे धीरे कंकड़ को ध्यान से परखना लड़का कम करते जा रहा था। वो अब उतना बारीकी से नहीं परख रहा था जितना कि वो शुरू के 3 कंकड़ को परखे थे। दूसरी तरफ से उसके दिमाग की ये कंडीशनिंग हो गई थी, ये हैबिट हो गई थी कि फटाफट से कंकड़ हाथ में लेकर समुद्र में फेंकने की। इतनी मेहनत के बाद 5 महीने के कुछ ही दिन में उस लड़के को वो गर्म कंकड़ मिल गई, और जैसे ही वो गर्म कंकड़ हाथ में आई वो उसे गर्म तो महसूस हुई, लेकिन क्योंकि उसकी जल्दी से हर कंकड़ को समुद्र में फेंकने की आदत बन चुकी थी, उसने उसे भी फेंक दिया। और फेंकने के जस्ट 1-2 सेकंड बाद उसने उसके हाथ की उंगलियों को दबा ली। उसे इतना पछतावा हुआ कि अब वो समुद्र से कंकड़ दोबारा नहीं निकाल सकता था जो कि उसने फेंक दी थी, क्योंकि उसकी जो हैबिट बन चुकी थी हर कंकड़ को देख के फेंकने की। लेकिन फेंकने के बाद ही उसको एहसास होता है कि मुझे पता होते हुए भी मैंने छोड़ दिया। तो इस कहानी से हम कुछ ऐसा सीख सकते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी बदल सकती है, जिससे हमारी सोच बदल सकती है, सोच में बदलाव हो सकती है। जिस दिन आपने अपने हर दिन को इजीली लेना, हल्के में लेना शुरू कर दिया, धीरे धीरे हर चीज़ों को हल्के में लेना आपकी हैबिट बन जाएगी। और जब कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी वाला दिन हुआ उसे भी इस हैबिट के अनुसार उसे भी गलती से हल्के में ले लेंगे। फिर पछतावा होगा, वो दिन नॉर्मल डे की तरह नहीं था। दोस्तों, हमारे ज़िंदगी में पता नहीं कब वो गोल्डन मोमेंट आ जाए और हम उसे पहचान ही ना पाएं। तो इसलिए हर दिन से कुछ ना कुछ सीखते रहिए, कुछ ना कुछ जानते रहिए। एक दिन वो ज़रूर आएगा जब आप इस दुनिया के सबसे अच्छे, सबसे फिर पछतावा होगा, वो दिन नॉर्मल डे की तरह नहीं था। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में पता नहीं कब वो गोल्डन मोमेंट आ जाए और हम उसे पहचान ही ना पाएं। तो इसलिए हर दिन से कुछ ना कुछ सीखते रहिए, कुछ ना कुछ जानते रहिए। एक दिन वो ज़रूर आएगा जब आप इस दुनिया के सबसे अच्छे, सबसे ब्राइटेस्ट इंसान बन जाओगे। धन्यवाद।